दोस्तों, जो आपने अभी स्क्रीन पे वीडियो देखी, तो ऐसी वीडियो आप एक क्लिक में बना सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। और जो भी इंस्टाग्राम पे ट्रेंड आते हैं, बस दो ही ऐप से ज़्यादातर आपको वीडियो बनी हुई मिलेगी। जो पहला ऐप है VN ऐप है, जो दूसरा ऐप है वो है कैपकट। और कैपकट को चलाने के लिए आपको चाहिए VPN। तो कोई भी एक VPN डाउनलोड कर लेना। मुझे सुपर VPN को डाउनलोड कर रखा, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाता है। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, कैपकट को डाउनलोड करना गूगल से। कैपकट आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि इंडिया में बैन है। तो गूगल पे आपको कैपकट मिल जाएगा। और इसको चलाने के लिए आपको सुपर VPN को डाउनलोड कर लेना है, और VN ऐप को भी आपको डाउनलोड कर लेना है। तीनों ऐप को डाउनलोड करने के बाद, जो आप यहाँ अभी वीडियो देख रहे हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा फाइल लिंक, फाइल लिंक पर क्लिक करते यूट्यूब में ये वाली वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी जो आप अभी देख रहे हो, जो आपने अभी स्क्रीन पे वीडियो देखी। तो ऐसे ही आप एक सेकंड में बना सकते हो, इतना आसान था आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो पे एक ऐड चलेगा, स्कीप ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। सब्सक्राइब का जो नीचे बटन है इस पे क्लिक जरूर करना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना। क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। टैग्स के नीचे लिखा है दुख बन के, और नीचे जो लिंक है उस पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का आपका पेज खुलेगा। आपको जो ऊपर एक डाउनलोड का ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो जीमेल आईडी आपकी आ जाएगी। ओके वाले ऑप्शन पे टैप कर देना। टैप करते ही ये वाला पेज खुलेगा। ऊपर 3 डॉट है कोने में, वहाँ पर क्लिक करना और डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो ऊपर एक फाइल की यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपकी वीडियो यहाँ पर जूम इन और जूम आउट और जो लाइट इफेक्ट थे वे आपको जैसे ही डाउनलोड होगी, वे सारे इफेक्ट आपकी वीडियो में ऑटोमेटिक ही लग जाएंगे। बस ये वाली फाइल आपको एक बार डाउनलोड कर लेनी है, और इसके बाद आपको ब्लर इफेक्ट और साउंड भी कैसे ऐड करनी है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो मेरी फाइल थी वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है बिल्कुल कंप्लीट। आप देख सकते हो ये रही वो फाइल, डाउनलोड हो चुकी है दोस्तों कंप्लीट। बैक आना है, अपने फाइल मैनेजर में आपको जाना है, जहाँ पर ये डाउनलोड वाली फाइल आपके फ़ोन में होती है। तो आप देख सकते हो दुख बन के सबसे ऊपर ही आपको एक फाइल मिल जाएगी डाउनलोड वाले फोल्डर में। इस फाइल के ऊपर लॉन्ग टैप करना है, कैसे भी करके इसको शेयर करना है। सब फ़ोन में अलग अलग तरह शेयर होता है, तो शेयर करना है VN ऐप में। VN ऐप में शेयर करते ही आपका आधा काम हो जाएगा, आपकी वीडियो तो बन जाएगी लेकिन ब्लर इफेक्ट नहीं आएगा और साउंड भी। तो यूज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपकी गैलरी ओपन होगी। कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो। तो मैं ये आपको यही फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, और नीचे नेक्स्ट इस पे क्लिक कर देना। आपकी वीडियो में यहाँ पर सारे इफेक्ट लग जाएंगे लेकिन ब्लर इफेक्ट नहीं लगेगा। वो भी ऐड कैसे करना और साउंड भी कैसे ऐड करने वो बताने वाला हूँ। तो ऊपर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, और आपको अच्छी क्वालिटी में इसको गैलरी में सेव कर लेना है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना ब्लर इफेक्ट और ऑडियो कैसे ऐड करनी है। तो अब हमारी वीडियो VN से आ चुकी है गैलरी में, लेकिन ब्लर इफेक्ट और उसमें साउंड नहीं है। तो साउंड ऐड करने कैसे है और कैसे ब्लर इफेक्ट ऐड करना है, ब्लर इफेक्ट होगा ऐड कैपकट में। और कैपकट को चलाने के लिए आपको VPN में जाना है, इसको कर लेना है कनेक्ट। यहाँ पर कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, 4 सेकेंड का वेट करना, तो आपका जो VPN है वो यहाँ पर हो जाएगा कनेक्ट। इसके बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हो VPN कनेक्ट हो चुका है। बैक आना है, अब आपको अपने कैपकट ऐप में, और कैपकट ऐप में आने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना, और आपकी गैलरी ओपन होगी। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते ही आपकी गैलरी ओपन होगी। आपको अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, और नीचे ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जो VN से एक्सपोर्ट की थी वीडियो उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब इसमें ब्लर इफेक्ट ऐड करने के लिए नीचे इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है, और वीडियो इफेक्ट में जाना, और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना। ट्रेंडिंग में ही आपको एक डायमंड जूम का ऑप्शन मिलता है, यहाँ आप ऐड कर देना, राइट वाले चीन पे क्लिक कर देना। अब इसको प्ले करके देखना, आपका ब्लर इफेक्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, इस तरह ही कहाँ तक आपको रखना है। और लास्ट में एंडिंग लिखा हो जाता है, इस पर क्लिक करना, इसको कर देना डिलीट। अब आपकी वीडियो में ब्लर इफेक्ट ऐड भी हो चुका है, साउंड रह चुके। तो साउंड को कैसे ऐड करेंगे, साउंड को जो इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग साउंड है उसी को ऐड करेंगे। तो कैसे करनी है आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसको गैलरी में सेव कर लेंगे, ऊपर क्लिक करना तो ये आ जाएगा आपकी गैलरी में। तो साउंड को ऐड करने के लिए जो आप अभी वीडियो देख रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है ओरिजिनल रील साउंड, उस वाले लिंक पे क्लिक करते ही इंस्टाग्राम में ये वाली वीडियो आपके सामने आ जाएगी। नीचे जो साउंड चल रहा है उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको यूज ऑडियो का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर टैप करोगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। नीचे आपको क्या काम करना है दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, नीचे आपको एक गैलरी एक प्लस वाला आइकन मिलता है, इस पर क्लिक करना। जो वीडियो आपने कैपकट से एक्सपोर्ट की थी उसको सिलेक्ट कर लेना, ऊपर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। आपकी वीडियो में साउंड ऐड हो चुकी है, और नेक्स्ट वाले ऑप्शन, और फिर से नेक्स्ट पे। अब आप इसको इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हो शेयर बटन पे क्लिक करके। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।